हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिरला कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। इस लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन डाल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, एक मिनट। जी हाँ, तो हम यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन डालें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं, जो कि एक खास होता है गिरावट के लिए। तो स्टॉक में गिरावट होने की संभावना है, लेकिन अभी हम कन्फर्म नहीं है, हो सकता है स्टॉक रिकवरी कर जाए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी स्टॉक ने लिया है, ये लेवल पर 1142 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। अब आपको अगर बाय करने के बारे में सोचना है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा समय लेना होगा। स्टॉक का जो ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि 1251 रुपए के आसपास है, इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये ब्रेक होगा तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी स्टॉक 1203 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप 1253 के टारगेट के लिए भले ही आप बाय कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंडेड मूवमेंट के लिए आपको 1250 के लेवल के, 53 के लेवल के ऊपर ही बाय करना है। उससे पहले बाय करने की ना सोचें। ठीक है, हो सकता है स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर से नीचे ब्रेकडाउन दे दे और नीचे चला जाए। तो अभी वेट करना बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।